तेरे को पता नहीं थोड़ी बात चलो चलो हेलो ओए भाई बैठ जा यार बैठ जा यार अरे आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं क्या हुआ कोई बात हो गई क्या परेशान तो रहूंगा ना पार्वती आखिर एक बेटी का पिता जो हूँ अब उसके हाथ पीछे करने का समय आ गया है पर हमारी बेटी तो अभी केवल 9 साल की है अभी तो उसकी उम्र पढ़ने लिखने और खेले कूदने की है देख पार्वती बेटियाँ पढ़ाया धन होती हैं उन्हें घर से जितनी जल्दी विदा कर दिया जाए उतना अच्छा है आज से आई पढ़ाई लिखाई क्या कर रहे हैं यार तुम्हारे यार एक साइड हो पर बाबू इसमें मेरी क्या गलती है बाबू आप मुझे पढ़ाई करने क्यों नहीं देते तेरी गलती है कि तू एक लड़की है तू लड़का होता तो बहुत अच्छा होता तू क्या हुआ बाबू मैं लड़की हूँ तो क्या बहुत हो गया तेरी है आज तो मैं किताबों का काम तमाम करके रहूंगा नहीं बाबू मत छोड़ो बाबू मत छोड़ो मत छोड़ो बाबू हट छोरी तेरी बहुत हो गई है छोरों के हाथ में काफी किताबें अच्छी लगती है लड़कियों के हाथ में उसे मेहंदी अच्छी लगती है मेहंदी पर बापू लड़की हूँ तो क्या होगा बापू लड़का और लड़की तो हमारे दोनों आंखों के समान होते हैं ये तो तू मेरा एहसान मान के तू अभी तक जिंदा है बचपन में ही तेरा गला दबाकर मार दिया होता तो अच्छा होता आज तेरी ये बकवास नहीं सुननी होती पर बापू मुझे तो पढ़ लिख कर अभी डॉक्टर बनना है मैं कुछ करना चाहती हूँ जिससे ज्यादा जल्दी हो सके तू चौका करना सीख जा वही तेरे लिए अच्छा है और तेरा विवाह तो होगा ही कल के कल ही होगा पर बापू मुझे चूल्हा जलाना अच्छा ना लगे है बापू अगला जीवन है हर कहानी आंचल में है आंसू आंचल में है दूध और आंखों में है पानी मुझे माफ कर देना बेटी तुम्हारे बापू के आगे मेरी एक ना चली मुझे माफ कर देना बेटी इस प्रकार मात्र 9 वर्ष की छोटी उम्र में आनंदी का विवाह गोपाल और जोशी से हो गया बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है और इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा आनंदी को भी 5 वर्ष बाद आनंदी 14 साल की हो गई उसके घर एक शिशु ने जन्म लिया इसका तो माता अंगार में दब रहा है इसे तो बहुत तेज बुखार है आप बिना कुछ भी कहते रहते हैं दीदी है मुझे माधव माधव बैठी को बुलाओ ये क्या कर रही डॉक्टर ना रहा भाई डॉक्टर बन के मैं मोती लगा रही हूं ये सब अंधविश्वास है मालिया रे मालिया सूरज की सूरज की सिर्फ दो लाइन है भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर रहा है जहां की बहुत आ गई तो क्या कर लो उठो क्या है क्या हो गया उठो बेटा उठो ओए वो नहीं बोल रहे वहां से क्या हो गया तुम्हें आ जाओ बेटा उठो बेटा चलना आ जाओ जल्दी आनंदी अब हमारा बेटा कभी आंखें नहीं खोलेगा ऐसा नहीं हो सकता माधव माधव बस करो आनंदी ये पागलपन भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया है मुझसे भगवान ने नहीं तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वास ने छीना है हमारा बेटा अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो हमारा आशीष जिंदा होता तुम अनपढ़ हो आनंदी तुम अनपढ़ हो मैं अब अनपढ़ नहीं रहूंगी मैं पढ़ूंगी ताकि किसी और आनंदी को अपना बच्चा ना खोना पड़े शाबाश आनंदी यही तुम्हारे अपराध का प्रायश्चित है आनंदी आनंदी हमारी 12वीं कक्षा का परिणाम आ गया है और तुमने पूरे स्कूल में प्रथम स्थान अर्जित किया है तुम्हें शिक्षा वृत्ति मिली है ले लो तुम्हें अमेरिका जाने के लिए टिकट मुझे शिक्षा वृत्ति मिली है मैं अमेरिका जा रही हूँ ये सब अकेले में कैसे करूँगी अरे आनंदी अपने आप को कमजोर मत समझो इतनी सब पढ़ाई तुमने की है कि इसका क्या फायदा
तुम गवार की गवार ही रहोगी। नहीं, मैं गवार नहीं हूँ, मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। तो इस प्रकार 7 अप्रैल 1883 को आनंदी अमेरिका के एक शहर रवाना हुई और 3 साल बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। इधर आनंदी के पिता की तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी थी। आगे क्या होता है देखते हैं। लगता है मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, मेरे जाने का समय आ गया है। ऐसा मत बोलो, शहर में एक अमेरिका से अच्छे डॉक्टर आए हैं, अब हम तुम्हें उनके पास ले चलते हैं, वो तुम्हारा इलाज कर देंगे। चलो चलो जल्दी ले चलते हैं। मरीज की हालत तो बहुत ही खराब है, इसे तो कोई चमत्कार ही बचा सकता है। लो आ गई डॉक्टर मैडम। मैडम जल्दी देखिए, इस मरीज की हालत बहुत ही खराब है। तो आ गई डॉक्टर मैडम। हम भाई तू रुक जा यार, निकल जाना, मैं निकल जाने इस साइड से जाओ, और बीच में नहीं आई हो, कम करके रखे यार। तो आप बिल्कुल ठीक हैं। अरे मुझे डॉक्टर साहब ने बचा लिया, मुझे उनसे मिलना है। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलो, डॉक्टर मैडम जिन्होंने तुम्हें जीवन दान दिया है। हाँ मुझे डॉक्टर मैडम से मिलना है। लो आ गई डॉक्टर मैडम, मिलिए उनसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बचा लिया। भला मैं गरीब आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वचन? कैसा वचन? कि तुम कभी लड़कियों को कमजोर नहीं समझोगे। तुमने पहचाना नहीं, ये तुम्हारी बेटी है। मेरी बेटी? आनंदी, आनंदी मेरी बेटी। तुम? हाँ मैं वही बेटी हूँ जिसका आपने बचपन में विवाह करके उसको काले अंधेरे में ढकेल दिया था। माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। ये चाहते थे कि सिर्फ मैं चूल्हा चौका करूं और कुछ नहीं। माफ कह दे बेटी, मैं तेरा गुनहगार हूं, जो सजा देगी वो मंजूर है, माफ कह दे मुझे। आपने सिर्फ मुझे चूल्हे चौके के अलावा कुछ नहीं समझा। आपको बेटियां क्या समझ में आती हैं? आपको सिर्फ बेटों पर विश्वास है। बेटियां भी आजकल बहुत बहुत बड़े पदों पर रहते हैं। मेरी गलती है मेरी, मुझे माफ कर दे। माफ कर दो आनंदी, माफ कर दो। वो तुम्हारे पिता है, वो माफी मांग रहे हैं। अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। माफ कर दो आनंदी, माफ कर दो। जी पिताश्री, मैंने आपको माफ कर दिया है। भाई साहब ऐसे दोस्ती निभा कर रहे थे। तो इस प्रकार आनंदी बाई जोशी ने अपनी मेहनत और अटूट इरादों से न केवल भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी, आगे चल कर के लड़कियों के लिए सुनहरा रास्ता भी दिखा गई जो जीवन में कुछ करना चाहती है।